हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया तो माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस देखकर हमें क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ये कैसे एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है तो सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसकी वजह से इसे टाइटल मिला है पावर हाउस पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज ये करता है एनर्जी की प्रोडक्शन वो भी एटीपी की फॉर्म में एटीपी जो है इसको कहते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ सेल एनर्जी करेंसी इसलिए बिकॉज जो सेल है एटीपी की फॉर्म में ही एनर्जी को स्टोर करके रखता है और ये मॉलिक्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज कभी भी जब सेल में एक्टिव प्रोसेस होता है उसके अंदर इन मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट होती है सेकेंड नंबर पे अगर हम बात करें तो ये कंट्रीब्यूट करता है साइटो प्लाज्मिक इनहेरिटेंस बहुत सारे करेक्टर हैं जो कि जेनेटिक मटेरियल से आते हैं जो कि न्यूक्लियस के होते हैं बट माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए है और इस डीएनए की वजह से ये भी क्या कर सकता है इनहेरिटेंस शो कर सकता है इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है वाइटेलोजेनेसिस वाइटेलोजेनेसिस में क्या होता है जो एग रिलीज़ करते हैं वाइटेलोजेनेसिस का मतलब है एग एग रिलीज़िंग बट उस में क्या होना चाहिए योक तो योक फॉर्मेशन करने में माइटोकॉन्ड्रिया का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है तो ये जितने भी फंक्शंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है रेगुलेशन uh, के लिए सेल की फंक्शनिंग में तो इसलिए स्टेटमेंट्स क्या है ट्रू ट्वेल्थ से 12 नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही आज डाउनलोड करें डाउट ने या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर